कर आप लोगों ने दिखाई दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। अगली बार क्या होगा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज पटना के बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने जमकर नीतीश कुमार को कोसा। वहीं अपने चाचा पशुपति पारस भी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री पद के लिए उन्होंने सारी हदों को पार कर दिया। चिराग पासवान ने केंद्रीय सरकार से मांग की कि स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाए। इस दौरान बापू सभागार खचाखच भरा हुआ था। चिराग पासवान के प्रति लोगों की समर्थकों की दीवानगी देखते बन रही थी और चिराग पासवान भी पूरे जोश के साथ सभा को संबोधित कर रहे थे। आइए सुनते हैं चिराग पासवान ने इस मौके पर और क्या कुछ कहा है। अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ना सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों के लिए, बल्कि हमारे देश हमारे प्रदेश हमारे समाज के हर गरीब शोषित वंचित वर्ग के सामाजिक समानता की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर करते थे, उस सामाजिक समानता को सही मायनों में अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया, सही मायनों में उनके विचारों को अगर किसी ने धरातल पर उतारने का काम किया तो वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी थे। उन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समाज के गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देखी। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया, तो वहीं अगड़ी जाति में भी जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए, इसकी भी लड़ाई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लड़ने का काम किया। उनकी सोच एकमात्र थी कि समाज के जो गरीब वंचित शोषित लोग हैं उनको किस तरीके से मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए, और यही कारण है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी अंतिम क्षणों में भी उनको इस बात की चिंता सताती थी कि भैया कोरोना काल लॉकडाउन में किस तरीके से हमारे देश के लोग अनाज खाएंगे, किस तरीके से उन्हें राशन मिलेगा। मुझे याद है जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनकी तबीयत खराब थी, ऐसे में जब उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए। मैं उनका बेटा हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि किस तरीके से उनकी तबीयत खराब थी और उसके बावजूद उन्होंने हॉस्पिटल जाने से इंकार किया। दिनों तक वो तबीयत खराब होती रही पर वो दबाए रखने का काम कर रहे, इसीलिए जो घटनाएं घटती हैं मुझे दुख है और मैं निंदा करता हूं कि जिस तरीके से पिछले 20 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दो दो बार हमला किया गया, मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से इसकी निंदा करता हूं। भैया जैसे भी है तो हमारे मुख्यमंत्री ना अभी तो है कम से कम, तो मुख्यमंत्री सुरक्षित रहे ये कामना करता हूं, पर साथ क्यों आक्रोश इतना हो रहा है कि भैया आपके अपने गांव में अपने गृह जिले में बख्तियारपुर में नालंदा में आपके ऊपर हमले पे हमला हो रहा है, क्यों क्यों इतना आक्रोश लोगों में पनप रहा है? आपकी गलत नीतियों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बेरोजगारी की वजह से भ्रष्टाचार की वजह से अपराध की वजह से, पर वही आप सबके माध्यम से तमाम बिहारियों से भी आग्रह करूंगा कि अपने आक्रोश को चैनलाइज करें। भैया लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र सबसे बड़ा अधिकार मताधिकार आपको देता है, उस अधिकार का प्रयोग करें, किसी बम पत्थर लाठी मुक्के घुसे का नहीं, मताधिकार का प्रयोग करें। और एक बार तो कर आप लोगों ने दिखाई दिया, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। अगली बार क्या होगा? तो सुना आपने, चिराग पासवान ने कहा कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम
जो है उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर रखा जाए और इसके लिए रामविलास पासवान की हर जिले में मूर्ति भी लगाई जाए। जाहिर तौर पर पशुपति पारस भी अपने स्वर्गीय भाई के लिए कई सारी मांगों को रखे हैं। ऐसे में चिराग पासवान की सभा में हजारों की भीड़ युवाओं को देखने को मिली। अब देखना होगा चाचा और भतीजे की शक्ति प्रदर्शन में चिराग पासवान 2024 में क्या बिहार की सत्ता